नेचर हारमोनस आर वेरियस टाइप केमिकल नेचर के बेसिस पे हारमोन्स कई तरह के होते हैं पेप्टाइड पैप्टाइड पॉलीपैप्टोटीन हारमोन्स पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन हारमोन में इंसुलिन ग्लाइकोजन पिट्यूट्री हारमोन हाइपोथेलमिक हारमोनस आते हैं एस्टेरॉइड हारमोन में कार्टिसोल टेस्टोस्टेरॉन एस्टेराडल प्रोजेस्टोरॉन आते हैं आइडोथरिन में थायराइड हारमोन आते हैं एमिनो एसिड डेरिवेटिव्स में एडीन और नॉन एडीन आते हैं मेकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन हार्मोन्स प्रोड्यूस देयर इफेक्ट्स बाय बाइंडिंग टू द स्पेसिफिक प्रोटीन्स जिसे हम लोग हार्मोन रिसेप्टर्स कहते हैं लोकेटेड इन द टारगेट टिशू टारगेट टिशू में हार्मोन रिसेप्टर्स होते हैं ये स्पेसिफिक प्रोटीन होते हैं इन्हीं से आके हारमोन बाइंड हो जाते हैं हारमोन रिसेप्टर्स इंक्लूड मैमब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स और इंटरा सेलुलर रिसेप्टर्स जो हार्मोन रिसेप्टर होते हैं ये दो तरह के होते हैं मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर और इंट्रा सेलुलर रिसेप्टर ये ज़्यादातर न्यूक्लियर रिसेप्टर कहलाते हैं हार्मोन बाइंड टू इट्स रिसेप्टर टू फॉर्म हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स हार्मोन आता है और अपने रिसेप्टर के साथ मिल के रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बना देता है ईच रिसेप्टर इज़ स्पेसिफिक टू वन हार्मोन ओनली हर रिसेप्टर हर हार्मोन के लिए स्पेसिफिक होता है हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन लीड्स टू तो सर्टेन बायोकेमिकल चेंजेस और हार्मोन रिसेप्टर फॉर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, फॉर्मेशन लीड टू तो सर्टेन बायोकेमिकल चेंजेस टारगेट इश्यू में सर्टेन बायोकेमिकल चेंजेस होते हैं इस रिसेप्टर की वजह से एंड देयर बाई मेटाबोलिजम एंड फिजियोलॉजिकल फंक्शंस आर रेगुलेटेड और इसी से मेटाबोलिज्म और फिजियोलॉजिकल फंक्शंस रेगुलेट होते हैं हारमोन्स विच इंट्रैक्ट विथ मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर हारमोन्स जो मेम्ब्रेन बाउंड डिसेप्टर के साथ इंटरैक्ट होते हैं नॉर्मली डू नॉट इंटर द टारगेट सेल ये टारगेट सेल में इंटर नहीं करते हैं बट जनरेट सेकेंड मैसेंजर्स लेकिन ये सेकेंड मैसेंजर्स जनरेट करते हैं जैसे साइक्लिक एम पी आई पी थ्री कैल्शियम टू प्लस एट्सट्रा विच इन टर्न रेगुलेट सेलोलर मेटाबोलिज्म और बाद में ये सेकेंड मैसेजर्स सेलोलर मेटाबोलिज्म को रेगुलेट करते हैं हारमोन विच इंट्रैक्ट विथ इंट्रा सेलुलर रिसेप्टर वो हारमोन जो इंट्रा सेलुलर रिसेप्टर से इंट्रैक्ट होते हैं स्टोरइड हार्मोन होते हैं या एडोथायरोनिन होते हैं मोस्टली रेगुलेट जीन एक्सप्रेशन और क्रोमोसोम फंक्शन ज़्यादातर ये जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट करते हैं या क्रोमोसोम फंक्शन को रेगुलेट करते हैं बाई द इंट्रैक्शन ऑफ हारमोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स विद द जीनोम और ये हारमोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स जीनोम के साथ इंटरेक्ट हो जाता है कमलेटिव बायोकेमिकल एक्शंस रिजल्ट इन फिजियोलॉजिकल एंड डेवलपमेंटल इफेक्ट और ये जो बायोकेमिकल एक्शंस का मिला जुला रूप है ये फिजियोलॉजी को भी डिस्टर्ब करता है और डेवलपमेंट को भी डिस्टर्ब करता है या अफेक्ट करता है